Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, जो हमारी फेस पे इतना ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, टैनिंग को किस तरीके से हमें मेंटेन रखना है, क्योंकि हम इतना डे आउट में जाते हैं तो उसके बाद हमारे जो सन एक्सपोज़र डायरेक्ट जो हमारे फेस पे पड़ता है, तो सन एक्सपोज़र की वजह से हमारे फेस पे काफ़ी टैनिंग हो जाती है. और हमारे जो बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग जो है वो अपने फेस से टैनिंग जो है रिमूव आउट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो पैक्स हम अपने घर पर जो रेमेडी बनाते हैं, जो यूज़ करते हैं, तो उसे उसका जो है फ़र्क आने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हम उसे डेली पे या फिर वीक में एक या दो टाइम जो है उसे यूज़ करते हैं, तो उसके बाद कहीं उसका रिजल्ट आता है. तो वो किस तरीके से आज मैंने भी एक प्रोसेस बनाई आपको बताइए. तो मैं भी एक फेस पैक जो है वो टैनिंग को रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो लाओ नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ. सो वो हमारा जो है वो ये है, हमें इसे यूज़ करना है. सो इसकी जो पूरी सब कुछ है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सारे प्रोडक्ट जो है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो हम ऐड करेंगे वो है बेसन. बेसन में जो है वो क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है. बेसन जो है वो हमारी पूरी स्किन को जो है अच्छे से क्लीन करता है, तो हम बेसन को लेंगे. एंड सेकंड जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक, क्योंकि टर्मरिक जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसमें लिटिल अमाउंट में क्या ऐड करेंगे टर्मरिक. टर्मरिक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस. हमें लेमन जूस को थोड़ा ही लेना है, क्योंकि लेमन जूस जो है इसमें विटामिन सी होता है, बट हम इसे कम अमाउंट में लेंगे, बिकॉज अगर हम ज़्यादा ले सकते तो हमारी स्किन पे जो है वो इचिंग भी हो सकती है. और इसके बाद जो इस पैक के बाद आपको धूप में नहीं जाना है, क्योंकि लेमन जब हम ऐड करते हैं तो धूप से हम ऑलमोस्ट बचते हैं, इससे के में सन टैनिंग भी हो सकती है, तो इस वजह से. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल. तो गुलाब जल को हमने ऐड किया है, इससे ब्राइटनिंग भी होगी आपके फेस की, तो इसलिए हमने इसे ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया है. उसके बाद हम ऐड करेंगे लिटिल अमाउंट में जो है वो है मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी को हम यूज़ करेंगे. मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपकी स्किन को कूलिंग भी देगा, और उसके बाद आपकी जो स्किन में ग्लो भी लेकर आएगा. तो हमने लिटिल अमाउंट में जो है वो मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर ली है. इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे. ज़्यादा हमें थिन भी नहीं रखना है फेस, तो ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है. इसी हिसाब से बनाना है कि एक्सप्लोइट कर सके हम अपने पूरे फेस में. सो हमें इसकी जो है वो स्किन जो है वो इसकी लेयर बहुत पतली पतली सी लेयर जो है वो हमें अपने पूरे फेस पे लगा लेनी है. ये हमें जो है वो वीकली टू टाइम्स तक तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हो. तो इससे जो आपकी जितनी भी फेस पे टैनिंग होगी वो सारी रिमूव आउट हो जाएगी. गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जब आप जो फॉलो करो और उसका जो इफेक्ट वो आपको ज़रूर आएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये रेमेडी कितनी यूज़फुल रही है, आपको ये ज़रूर वर्क करेगी. बस ये है कि आपको इसे रेगुलर यूज़ करते रहना है. हम इसे अप्लाई करने के बाद ऑलमोस्ट 50-20 मिनट्स तक के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में हमें जो है इसे एक्सप्लोइट भी करना है. तो एक्सप्लोरेशन के लिए हमें इसे जो है वो ज़्यादा थिन नहीं बनाना है, थिक ही रखना है. उसके बाद अपनी पूरी स्किन पर अप्लाई करने के बाद अब हम इसे ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तक के लिए छोड़ देंगे.
सो यार अब हम इसे 50 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद वह फिर से एक्सप्लोर करेंगे नई चीज़। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट 50 मिनट्स जो हैं वो हो गए हैं क्योंकि ये हमारा अच्छे से जो है वो सूख गया है। इसके बाद अब हम इसे करेंगे एक्सप्लोरेट। एक्सप्लोर करने के लिए हमें थोड़ा सा वाटर या बॉल में लेने के बाद अच्छे से रब करें। आप कोशिश यही करना कि आसपास जो है वो वॉशर हो, इनका ग्लो कितनी क्लियर स्किन जो है वो दिख रही है इस वक्त हमें। सारी टैनिंग जो है वो आप इसी जब रेगुलर यूज़ करोगी तो ऑलमोस्ट जो है वो निकल जाएगी। पूरे फेस को जो है वो हमने अच्छे से वॉश आउट कर लिया है। उसके बाद सी दैट आप काफ़ी जो टैनिंग जो है वो काफ़ी रिमूव आउट हो गई है। तो आप इसे वीकली जो है वो इसे ज़रूर यूज़ करिए। वीकली जो है वो 2 times आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम अप्लाई करेंगे एलोवेरा जेल, क्योंकि जितने भी हम ये जो फेस पैक बनाते हैं उसके बाद जो हमारा जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई अप हो जाती है, तो इसलिए हमें एलोवेरा जेल का यूज़ करना चाहिए। तो थोड़ी सी एलोवेरा जेल जो है वो हम अपने फेस पे लेंगे और इससे अच्छे से मसाज कर लेंगे। जो भी चीज़ें हमने यूज़ करी थी उसकी वजह से काफ़ी जो है वो फेस पे ग्लो भी आपको दिख रहा होगा। तो क्योंकि हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ किया था जो कि ऑलमोस्ट ग्लो के लिए ही होती है, क्लीन करेगी आपकी स्किन को और ग्लो भी लाएगी। ऊपर से हमारी टर्मरिक जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टी भी रखती है और साथ साथ में ग्लोइंग वाली चीज़ भी उसमें, तो इसलिए अब काफ़ी जो है वो हमारी स्किन स्मूथ भी हो गई है और टैनिंग जो है वो काफ़ी रिमूव हो गई है। सो या ये हमारी वीडियो है। नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ी सी लिप बाम यूज़ कर लेंगे शुगर पॉपअप की लिप बाम में। या दैट इज वॉज, तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको ये जो फेस पैक है वो काफ़ी अच्छा लगा हो। आप अपने कमेंट्स पे ज़रूर मुझे बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो इफ यू डिड देन प्लीज़ डू अ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।